सेलिब्रेशन करने का टाइम हो चुका है। मैंने अपने बाबू के लिए एक बहुत ही अच्छा वाला सरप्राइज लाया है। ये देखो यहाँ पे बन रहा है घी। पूरा पानी भरना। ओए ओए आज है अनमोल का अन्न प्रसन्न ना, इसीलिए हमने डेकोरेशन करने के लिए इन भाई को बुलाया। तो ये काफी अच्छी तरीके से डेकोरेशन कर रहे हैं एंड हम लोग बाहर ही करेंगे इसका अन्न प्रसन्न ना। और आज ही काफी ज्यादा खुश है ये, मतलब सुबह सुबह इसको ना इतने सारे बलून देखने को मिले ना तो ये काफी ज्यादा हंस रहा है। ये देखो भाई, और यहाँ पर ना ये देखो यहाँ पर बलून वगैरह फुलाने वाला। मुझे ये वाला चीज ना बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। ये देखो हाँ, इस तरीके से यहाँ पर बलून फूलता है, मतलब कि ना भाई ये अगर किसी ने बिजनेस खोल लिया ना तो भाई वो मान लो भाई करोड़पति है। जैसे कि ये भाई करोड़पति है भाई, कसम से बोल रहा हूँ। छोटा मोटा बिजनेस देखने को मिलता है लेकिन भाई बहुत तगड़ी इनकम होती है, कसम से बोल रहा हूँ। एक डेकोरेशन करने का मिनिमम कितना तक मिल जाता है भाई? एक डेकोरेशन करने का मिनिमम 10,000 से स्टार्ट होता है। 10,000 से ना? अच्छा, और मेरा जो ये कर रहे हो अभी कितना लोग है? मतलब 2,000-3,000 तो लोग है ना। हाँ, तो एक मतलब छोटा सा छोटा डेकोरेशन भी करने जाते हो ना तो 2,000-3,000 मिल ही जाता है। और दिन में 2-3 तो मिल जाता है ना। ऐसा दो तीन मिल जाता है भाई, बस मार्केट को बड़ा करना होता है। ले कंजी ले पकड़ जा तू भी ड्रेस चेंज करके आ। ये हमेशा मिक्सी में रहती है भाई, आज तो अन्न प्रसन्न है, कम से कम अच्छा लोग कपड़ा पहन ले। फाइनली गाइस हमारा डेकोरेशन कंप्लीट हो चुका है और अब हम बाबू को नहा देंगे और उसके बाद मंदिर लेके जाएंगे, देन फिर हम बाबू को राइस खिला देंगे। अब मैं भी थोड़ी बहुत तो रेडी हो चुकी हूँ, बस मुझे अपना नाइटी चेंज करना है। उससे पहले ये देखो यहाँ पे बन रहा है खीर और ये रहा सब्जी। चलो जब तक उधर खीर वीर बनता रहेगा तब तक मैं भी होटल में जाके केक लेके आता हूँ, क्योंकि राइस सेरेमनी में मैंने बहुत ही अच्छा केक का ऑर्डर भी दिया है। काफी अच्छा केक है, मैं आप लोगों को अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा। एंड केक के साथ साथ मुझे काफी सारा मिठाई भी लाना है, अगर हम लोग प्लेट में मिठाई वगैरह सजाएंगे तो काफी अच्छा दिखेगा। इसीलिए अभी मैं और मेरे छोटे भाई जा रहे हैं अपना थार लेके, तो आप चलो भाई केक देखते हैं कैसा है। हम लोग होटल से मिठाई और केक लेके आ चुके हैं। केक के साथ साथ मैंने अपने बाबू के लिए एक बहुत ही अच्छा वाला सरप्राइज लाया है, जिसे अभी मैं आप लोगों को थोड़ी देर में दिखाऊंगा, मतलब कि काफी अच्छा है। बाबू तो लिटरली बहुत ज्यादा खुश होने वाला है। तो भाई जल्दी आ जाओ केक लेके। यहाँ पर है केक, काफी बड़ा वाला केक आप लोगों ने देख लिया। और यहाँ पर लगभग 1500-1600 का कुछ मिठाई होगा। काफी सारा मैंने यहाँ पर मिठाई लाया है, अलग अलग टाइप का, अलग अलग कलर का। और अब बाबू को नहाने का टाइम हो चुका है, तो हमने इस टाब के अंदर पूरा पानी भर दिया है और यहाँ पर बाबू रेडी हो चुका है। तो वहाँ से अभी मेरी कांची दूध डालेगी इसमें, थोड़ा सा हाँ हो गया हो गया। ये देखो हाँ फूल, ये देखो रंगी बिरंगी फूल। हमारे पिताजी भी आ चुके हैं रेडी होके, और ये देखो हमारी मम्मी भी रेडी हो चुकी है, मेरी कांची भी पूरा रेडी हो चुकी है। ये देखो अब चलो इसके अंदर फूल, चलो इसमें से थोड़ा घोल देते ना। हाँ ऐसे कर देते हैं, थोड़ा वाइट पानी में अब नहाएगा मेरा बाबू। चलो हाँ डाल दे, डाल दो। बाप रे बाप, अनमोल ये देखो पूरा पानी भरना। ओए 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 सॉरी। हमने जैसे तैसे इसको नहा तो दिया है, तो अब ये ड्रेस लगाएगा ना ड्रेस। हाँ वैसे ये ना यो लाल कलर का था ना वो टॉप, तो उसी को देख के शायद ये डर गया होगा या फिर इसने पिताजी को देखा होगा। पिताजी को मतलब जब भी देखता है तो ये रोना स्टार्ट कर देता है। ये देखो अभी हंस रहा है। फाइनली हमने अनमोल को ड्रेस पहना दिया है, और ये रहा मेरे पंजाब से लाया हुआ ड्रेस, जो कि इसको काफी अच्छी तरीके से मैच कर रहा है। ऐसे उठा के दिखा देते कांची, ऐसे ऐसे करके। ये देखो ओ हो, कितना बड़ा सा बच्चा है। हाँ लेकिन काफी अच्छा, वैसे मैंने 1 साल के बच्चे के लिए लाया था, बड़ा भी 6 महीने का ही हुआ है तो काफी बड़ा हुआ है। बट ये थोड़ा हेल्दी है ना, तो इसीलिए मतलब इसको मैच भी कर रहा है। तो ये देखो पर्पल कलर का। और अब हम सभी लोग मिलके बाबू को मंदिर लेके जा रहे हैं, क्योंकि सबसे पहला भोजन हम लोग बाबू को मंदिर में जाके ही खिलाएंगे। और ये देखो बाबू को टोपी वोपी लगा दिया है एकदम पूरा। ये देखो कितना अच्छा दिख रहा है भाई, इसको ये ड्रेस ना भाई एकदम परफेक्ट जमा। मैं पंजाब जाके लेके आया ड्रेस और भाई मैं काफी ज्यादा खुश हूँ भाई, पैसा वसूल हो गया।
तो फाइनली हम लोग मंदिर पे आ चुके हैं अनमोल को लेकर। नारायणं नमस्कृतं नरञ्जयं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जय मुदीर। चलो सबसे पहला हम लोग पहली बार मैं खिला रहा हूँ तो मुझे काफी खुशी हो रही है क्योंकि आज से ये अच्छी तरीके से खाना खा पाएगा। और आप लोग को दुआ करना कि अभी जैसा ये हल्दी है इससे भी कई गुना ज्यादा हल्दी रहे। खा लिया हो गया। अब हम लोग अपना घर जा रहे हैं एंड घर जाके चलो अब सेलिब्रेशन करते हैं। सेलिब्रेशन करने का टाइम हो चुका है तो हम लोगों ने यहाँ पर केक रख दिया है, साथ ही यहाँ पर मिठाई भी है। लेकिन ना केक का हालत बहुत ही खतरनाक हो चुका है। आप लोग अगर देखोगे तो भाई आप लोग भी कहोगे कि क्या कर दिया केक का हालत, ये देखो क्या हो गया। कितना अच्छा केक था, आप लोगों ने पहले भी देखा था, लेकिन सारा खत्म हो गया, सब चकनाचूर, हमारा सपना चकनाचूर हो गया। ये देखो कितना बुरा दिख रहा है अभी, लेकिन कोई बात नहीं, अभी हम लोग इसको कटिंग करेंगे, सेलिब्रेशन करेंगे और एकदम इसको भी खिलाएंगे, हम भी खाएंगे, सभी लोग खाएंगे। नहीं उठाए क्या हो गया, डैमेज हुआ माल देते यार। इधर तो मुझसे मैं उठा देता हूँ होटल जो है और मैंने आप लोगों को कहा था ना, मैंने अनमोल के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज लाया है, वैसे बहुत बड़ा भी नहीं है पर बहुत खूबसूरत सरप्राइज है, तो वो सरप्राइज ये रहा, ये देखो बेटा ये तुम्हारा है। कितना अच्छा टेडी है, देखो ये टेडी है, ये देखो अनमोल बेटा, अनमोल बेटा, रुको मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखो अनमोल से काफी बड़ा टेडी है। ओहो अनमोल ये रहा तुम्हारा दोस्त, देखो ये देखो तुम्हारा दोस्त है अनमोल, ये रहा हाँ ये तुम्हारा दोस्त है, इसका मुंह है, ये इसमें बैग है, दिल 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 लव है, ओके अनमोल। चलो अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताना एंड हो सके तो भाई शेयर भी कर दिया करो यार, कभी कभी अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। तो आप चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में, चलो बाय।